जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोट की अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह के आदेश अनुसार सोजत वर्ता अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार के सुपरविजन में जिले भर में चलाए जा रहे वैश्विक कोरोना महामारी के अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के अंतर्गत सोजत सिटी पुलिस थाना अधिकारी रामेश्वर लाल भाटी मय जाप्ता द्वारा 9 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्ट और 7 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। थानाधिकारी सोजत सिटी रामेश्वर लाल भाटी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि माणक माकराम पुत्र रामचंद्र जाति सेन निवासी सोजत सिटी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कल रात्रि गश्त के दौरान पुलिस द्वारा उक्त युवक को सड़क पर जाते हुए देखा गया, जिसकी पीठ पर एक सफ़ेद कलर का कट्टा लिए हुए जा रहा था। रुकवाने पर पुलिस को देखकर भागने लगा। थानाधिकारी मय जाप्ता द्वारा तुरंत प्रभाव से उक्त तस्कर को पकड़ा गया। उसके सफ़ेद कट्टे में रखे 9 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्ट 7 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार उक्त माणकलाल आदतनंद तस्कर बताया जा रहा है, उस पर पूर्व थाने में मामला दर्ज है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच अनुसंधान रायपुर थाना अधिकारी जसन सिंह को सौंपी गई।